फाइनली ये रूम मिला है हमें, हमने ऑर्डर कर दिया सैंडविच। और पहले तो हमें ना ऐसे ट्विन बेड मिल रहे थे, अलग अलग बेड। हाँ, अलग मतलब ये मेरा बेड अलग, उसका अलग, लेकिन उससे व्यू अच्छा था, मैं भी वो ले लेना चाहिए था। व्यू अच्छा था लेकिन ये पे मतलब तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था, तुम्हें व्यू चाहिए था, बीवी नहीं चाहिए थी। अरे बीवी चाहिए, लेकिन किसे पता है ना अलग बेड पे सो रहे हैं कि एक ये मैं ग्रीन जुराबे क्यों पहन के आई। सुबह के बज रहे हैं 5-4 बजे से हम लोग उठे हुए हैं, तैयारी है देहरादून जाने की। देहरादून हम दोनों निकल रहे हैं। आपको आपको बता देती हूँ कि बेसिकली मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, बचपन की फ्रेंड शालिनी, उसके ब्रदर की शादी हो चुकी है, 15 साल हो गए, बट वो दोबारा शादी कर रहे हैं। उसको लगा था उसकी शादी सही नहीं हुई है, मैं तो थी नहीं उस शादी में, लेकिन अब वो अपने सारे अरमान पूरे कर रहा है। सो आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड, बिकॉज ये मेरे लिए पहली बार होने वाला है कि मैं शादी अटेंड करूंगी, और वो भी उनकी जो मैंने ऐसा बच्चा सा देखा था। तो उसकी शादी, उसका बेटा भी हो चुका बड़ा, बट अब वो 15 साल के बाद दोबारा शादी कर रहे हैं। सो हम दोनों निकल रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग ट्रिप। गाड़ी आई है कोई? तो अविनाश भी बड़ा सुपर एक्साइटेड है इस चीज के लिए, ऐसी शादी देखने जा रहे हैं जो दोबारा हो रही है। तो हम दोनों ही उसकी शादी में नहीं थे। कैब कैंसिल कर दी उसने। कैब कैंसिल कर दिया? ओहो, पहले कैब कैंसिल हो गई। तो जी पहली न्यूज ये है कि हमारे कैब वाले ने कैब कैंसिल कर दी। अब हम लोग जल्दी एक दो रिक्शा लेके जा रहे हैं, किसी तरह से सामान मैनेज किया, बहुत मुश्किल से। हाँ, कि लेट हो जाएंगे फायदा नहीं, हम लोग ने एडजस्ट कर लिया। तो जी 7 किलो लगेज हमारा एक्सेस हो गया, अब हमें शिफ्ट करना पड़ा सामान। मेरी बेबी की मेहरबानी है, इतना सामान ठूक ले, 3 दिन के लिए जा रहे हैं और 30 दिन का सामान लिया। सिर्फ फटाफट फटाफट करेंगे, लाना ढिमकाना, सूट सलवार कमीज गाउन। हाँ चेक करा लेते हैं, अभी बंद मत करो ना, पहले दे दो मुझे। देखो ये हो गए, और भरो, और भरना पड़ेगा। ये देखो संभावना, सारा सामान मेरे भरोसे सिक्योरिटी चेक पे छोड़ के ना, ये देखो एक बैग मैंने टांगा हुआ, एक मेरा एक इसका, यहाँ आ गई कॉफी पीने, सारा सामान मेरे ऊपर छोड़ के आ गई। अरे मैंने कहा ना मैं तब तक कॉफी लूंगी, यहाँ पे भीड़ होती है ना। नहीं चाहिए मुझे कॉफी, मैंने पे नहीं किया कॉफी, उन्होंने मुझे दे दिया। इधर लेके बैठो मत, क्योंकि हम सीधा वहाँ चलते हैं। अच्छा मैं बैठू भी ना? अरे भैया को ये कॉफी पकड़ा दी, मतलब गाड़ी कैसे चलाएंगे वो फिर? चलिए थैंक यू सो मच भैया, उन्होंने कॉफी के पैसे चार्ज नहीं किए और उन्होंने कहा इट्स ऑन अस। अच्छा क्यों ऐसा? नहीं ली, मुझे नहीं पता, मुझे देख लिया होगा ना पीछे से। नहीं वो कहते हैं कि आपकी वाली जो केनिया रोस्ट पीते हो वो हमारे पास है भी नहीं, तो ये उसके बदले में हम आपको ये कॉफी दे रहे हैं, लेकिन वी विल नॉट चार्ज। उन्होंने पीछे मुझे देख लिया था, उन्होंने कहा ये वैसे भी नहीं दे पाएगा, तो इसे फ्री में ही दे दो। इस आदमी की हालत लग रही है, 4 बैग लेके चल रहा है, मजदूर होगा मैडम का, ये कहाँ दे पाएगा पैसे। संभावना 6 बजे उठ गई है ना, तो अब इसका प्रॉब्लम क्या है, जिस दिन 6 बजे उठ जाती है ना फ्लाइट के लिए, उस दिन कहती है ब्लॉग भी अभी डालूंगी, रील भी अभी डालूंगी, फोटो भी अभी डालूंगी, और फिर क्या पब्लिक शॉक हो जाती है, आप लोग शॉक हो जाते हो, आपको लगता है कि ये क्या हुआ, लग रहा है मैडम का फोन हैक हो गया। तो अब मेरे पीछे पड़ी हुई है कि 6 बजे ब्लॉग डालूंगी, 6 बजे रील डालूंगी, 6 बजे फोटो डालूंगी, तो अब मेरे को इसका फोन छीनना पड़ेगा। लोग उठ जाते हैं। अरे लेकिन लोग को ऐसा शॉक मत दो ना, तो चलो चक्कर खा के लोग बेड से गिर गए, उठते ये क्या हुआ, लग रहा है मैडम किडनैप हो गई। फ्लाइट और हमारी लैंड कर गई है, लेकिन मैं ना जरा क्विकली जरा इनसे मिलवा दूँ। अच्छा गुड टाइम सो स्वीट, सो स्वीट, अब इतने अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं फ्लाइट में। देखो बैग किस बेल्ट पे आएगा। पता है मैं ना फ्लाइट में सो गई थी, वो इतने प्यार से, फिर अभी लेट हो गए हम लोग, उनको फोटोग्राफ लेनी थी, एयर होस्टेस नाम क्या था उनका? मिथिला। मिथिला, थैंक यू मिथिला। मैं लड़कियों के नाम नहीं बोलता। अब हम लोग पहुंच गए हैं, तो अगर कॉफी मिल गई ना अब पी लूंगी, क्योंकि फ्लाइट में तो मैंने पी नहीं। यही है ना? पक्का? हाँ हाँ, चेक कर लो फिर भी एक बार। चलिए देहरादून
देहरादून आया था पता है कब, व्हेन आई वाज सेवेंथ स्टैंडर्ड, स्कूल से पिकनिक के लिए आया था। तो हमसे ही स्कूल वालों ने ना थाली कटोरी मोमबत्ती टॉर्च सब मंगाते थे पिकनिक पे जाते थे ना, पिकनिक नहीं सॉरी ट्रैकिंग, हाँ ट्रैकिंग पे ट्रिप्स पे, और ट्रिप्स पे टीचर खुद अपना वो सेटिंग करते रहते थे पता है। हाँ टीचर हमें कुछ समझ में नहीं आता था। जी हमारी बुकिंग्स एक्चुअली हुई नहीं थी, तो हम लोग दो तीन होटल्स में चक्कर लगाने के बाद फिर फाइनली यहाँ पहुंचे। तो आपने देखा होगा पहले कहीं टीका लगा फिर कहीं स्वागत हुआ, फाइनली हम यहाँ पहुंचे हैं और अब जाके सेटल हुए। क्या हुआ? Yes, we do you have sandwich? Okay, can I get a grill sandwich? फाइनली ये रूम मिला है हमें, हमने ऑर्डर कर दिया सैंडविच। और पहले तो हमें ना ऐसे ट्विन बेड मिल रहे थे, अलग अलग बेड, हाँ, अलग मतलब ये मेरा बेड अलग उसका अलग, लेकिन उससे व्यू अच्छा था, वो ले लेना चाहिए था, अच्छा था लेकिन ये मतलब तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था, तुम्हें व्यू चाहिए था, बीवी नहीं चाहिए थी। अरे बीवी चीज लेकिन किसे पता है ना अलग बेड पे सो रहे हैं कि एक ये मैं ग्रीन जुराबे क्यों पहन के आई हूँ पता ही नहीं, आज तुम अलग ही गुलाम मुस्तफा बनी हुई। चलो मैटर में जूते अपनी जगह पे रखो, आई डोंट लाइक डर्टीनेस। अच्छा इतने फंकी कपड़े पहनने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, इतने कलरफुल। जी हमारी कॉफी आ गई है यहाँ पे, सामान आया होगा, कुकी भी आई है, कुकी थैंक यू। क्या है? सैंडविच। तो जी आगे हमने दो कॉफी और मंगा लिए, कॉफी इतनी लाजवाब थी और ये खाके सोई सोई कर लेंगे। जी कमरे के पर्दे गिरा दिए गए हैं, कॉफी आ गई है, कोजी होके क्विल्ट के अंदर घुस के कॉफी पी जा रही है। लेकिन संभावना ने मुझे इतनी बार उठाया, इतना तंग किया ना, ये बैग उतार दो, ये यहाँ रख दो, जूते उधर रख दो, कॉफी ले लो, वो आ गया लेने, पता मैं इसीलिए ट्विन बेड चाह रहा था, परेशान हो गया हूँ। रूम भी अगर अलग हो जाए ना ट्विन तो मजा ही आ जाए। सम कुकीज प्लीज। तो जी आप ये मत सोचो कि अभी हम बैठे हैं और उसके व्लॉग के बाद फिर से व्लॉग चालू हो गया, नहीं, दो ढाई घंटे की नींद पूरी हो चुकी है और उसी जगह पे बैठे हैं, वैसे ही खाना आ गया है, वैसे ही चरने के लिए तैयार हैं दोनों, और चरने का सामान आ चुका है, वही चाय कॉफी थोड़ा सा सैंडविच और मैंने यहाँ पे मशरूम सूप मंगाया है। और जिनके यहाँ शादी है मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है वहाँ पे, कुछ भी आइडिया नहीं, क्योंकि संभावना मुझे कुछ नहीं बता रही, उनसे अकेले अकेले कोऑर्डिनेट कर रही है। हम लोग बस ये सब खाएंगे पियेंगे तैयार होके निकल जाएंगे, शाम की हल्दी है बेसिकली, मुझे लगता है हाई टी पे तो कोई नहीं पहुंचा होगा। तो जी ये रहा मशरूम सूप, सम स्प्रिंग रोल्स, सम वेजीज, ये सारा हमारा फ्रेंच फ्राइज, सैंडविच, चाय, सब। रात को क्या खाएंगे? खा लेंगे, ये लो बताऊं कैसा है। अरे वाह जी वाह, मजा ही आ गया। मशरूम सूप इज वेरी गुड। तो जी अपने शाम के स्नैक्स और कॉफी चाय वगैरह करके हम लोग हो गए तैयार, हमें निकलना है यहाँ से, अभी गाड़ी आने वाली थोड़ी देर में, लेकिन हमें फोन आया कि हम बहुत जल्दी तैयार हो गए और मैंने ये पहना हुआ है जो आप लोग को दिख रहा है, यानी कि ये, ठीक है। मेरी बेबी बहुत अच्छे से तैयार हुई है, वो तो हर चीज की शॉपिंग करके लाई थी ना, हल्दी मेहंदी शादी सब कुछ का, ये देख लो। कैसे लग रही हो? हल्दी के लिए हल्दी वाला सलवार कमीज, नहीं मेरे को नहीं बेबी, हल्दी नहीं है आज, फिर मेहंदी है। ओह हाँ, एक्चुअली मैं ये ऐसे ही पहनने वाली थी क्योंकि ये तो मेरे गणपति का ही है सलवार कमीज, गणपति पे पहना था, तो इस बार दुपट्टा मैंने खरीदा हुआ था, मैंने कहा चलो दुपट्टा भी ऊपर से ले लेती हूँ, इट माइट लुक नाइस, क्योंकि बाकी तो सब कुछ सिंपल ही है, सिर्फ कान में पहने, कान के बहुत अच्छे लग रहे, अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए आई थिंक मैच भी कर रहे होंगे, है ना, बहुत अच्छे लग। हम लोग नीचे चलते हैं, एक कॉफी पीते हैं और रील बनाते, चलो चलो। और दोस्तों मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड सा मोमेंट है क्योंकि मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ और मैं शादी में जा रहा हूँ और अच्छे से तैयार होकर जा रहा हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं सबको जानती हूँ, उसके ब्रदर की रीमैरिज हो रही है, रीमैरिज विद द सेम वुमन, सेम वुमन, तो मैं सबको अच्छे से जानती हूँ, ये नहीं जानता है, मतलब फैमिली को तो मैं तो बचपन से उन्हीं के घर पे रही हूँ। और आप लोग मुझे जरूर बताना जितने भी हस्बैंड्स हैं कि जब अपनी वाइफ के साइड उनकी फ्रेंड्स की शादियों में जाते हैं, कहीं जाते हैं और आप किसी को नहीं जानते, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? नहीं बेबी, यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल होगे तुम, बिकॉज ये मेरी शादी है बेबी, मेरा परिवार है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं प्रॉप हूँ, प्रॉप की तरह जा रहा हूँ साथ में। नहीं नहीं नहीं, प्लास्टिक नहीं नहीं, तुम हम लोग भी ऐसी शादी अभी करेंगे नहीं। मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट भी हूँ ना, तो मैं शाही हूँ, मैं जल्दी लोगों से बात ही नहीं करता, इसलिए सोच मैं आपको बता देती हूँ, हम भी ऐसी शादी करेंगे, मेरी शादी अधूरी रह गई थी ना, मेरी पूरी नहीं हुई थी, मुझसे तो पूछा नहीं तुमने बोलने से पहले, पूरी नहीं हुई थी मेरी, पूरी मिल जाएगी, दाल भी मिल जाएगी, ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई बेबी, मेरे को लगता है मेरे को करनी चाहिए, मतलब किसी और के साथ नहीं, इसी के साथ हमें करनी चाहिए, मुझे लग रहा है पता नहीं, मैं जब देख रही हूँ ना इस तरफ ऐसा लग रहा है कि आई एम लुकिंग ग्लैमरस, उसी शादी का कर्जा आज तक उतार रहा हूँ मैं।
जी अभी गाड़ी अभी आने वाली है हमें लेने के लिए, तब तक हम आ गए नीचे कॉफी की चुस्की लेने। तो बताया अभी एक आदमी आया, बोला भाई साहब ये होटल है? मैंने बोला होटल ही है। तो बोला ठीक है एक बुकिंग कर दो शादी की। तुम्हें बोला? हाँ। तो मैं वो लग रहा हूँ क्या जो गेट पे नहीं जो दरबान खड़े होते हैं वही लग रहा हूँ क्या? देखना पकड़ना कैमरा। बुकिंग के लिए भी आप गार्डन एरिया भी है बेसमेंट नहीं, लेकिन जो बुकिंग करने वाले होते हैं वो रात को चश्मा नहीं पहनते, इसलिए तो मैं और भी डाउन प्रजाति का लग रहा हूँ। काफी दबा हुआ फील कर रहे हो तुम। दबा कुचला नहीं आता। इसकी सैलरी भी नहीं मिली ना कोविड में। तो जी आपने देख लिया, ये जो संभावना इतनी खुश हो रही थी ये अपनी ही रील देख के हो रही थी। ये स्माइल करती है, ये बात भी करती है अपनी रील से। रील करेगी ना, अच्छा बहुत अच्छा, ओह अति सुंदर। फिर व्लॉग में भी खुद से बात करती है कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी प्यारी हो। व्लॉग के साथ साथ अपने होंठ हिलाती है, खुद की बहुत तगड़ी फैन है। अभी इसकी रील बनाई है यहाँ पे, तो रील में पहले इसने एक ही 8 सेकंड की रील में 16 एक्सप्रेशन दिए हैं, अगली में 32 दिए हैं, लेकिन मजा नहीं आया तो अब 64 करेंगे। 8 सेकंड रील में 64 एक्सप्रेशन। नशा की जगह ना बशा बोल दिया, नशा कर ले एक जगह, मूसा बोल दिया, सुसा बोल दिया है, अगर टूसा बोल दिया है, अगर चूसा बोल दिया है। ऐसे क्यों निकल आता रील में ना, मैं वो जाती हूँ नकली बशा। नहीं तुम सोचती हो कि अपना सारा टैलेंट है ये 30 सेकंड की रील में डाल दूं, तो वो फिर हैवी पड़ जाता है। रील ले नहीं पाती इतना सारा टैलेंट 30 सेकंड में, टू मच टैलेंट इन वन रील। इसीलिए अभी इंस्टा भी हैंग हुआ था मुझे लग रहा है थोड़ी देर पहले। अपनी इतनी बड़ी फैन कैसे हो गई तुम? ओवर द टाइम प्रैक्टिस हो रही है, रिहर्सल, रील की रिहर्सल। हे भगवान मुझे उठा ले। कैसे आना वापस? टेबल चाट लो एक बार। जी भी लगे क्या चाटा है? चाशनी? अरे खटमल चला, छिपकली चला दी। अरे दी 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 दी। बदबू आई। जिन दोस्तों भाइयों बहनों को नहीं पता उन्हें बता दूं, मेरी बीवी को तुम ऐसा मामूली मत समझना, उसने 5-6 साल रामलीला में शोरपड़ा खाकर रोल किया। मामूली बात नहीं है, तब जाके सीता मिला था अगले साल प्रमोशन हो गया।